गुरुवर पूजनीय है, महान है, उनके शस्यपूर्ति विवाह के लिए हमें किसकी आमंत्रण की आवश्यकता है? आपने राजमहल में प्रवेश करने के लिए आज्ञा किससे ली? दीदी, विजयनगर का राजमहल तो हमारे घर जैसा है और इसमें प्रवेश करने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता? महारानी जी, जब मोच आई थी तो हम केवल महारानी तिरुमलम्मा, चलिए यहाँ से। आप महारानी जी, अब आएगा आनंद इस खेल का। नल दमयंती नाटक का मंचन गुरुवर के कुटिल मस्तिष्क का ही कोई प्रपंच है। सत्य कहा पंडित रामकृष्णा। डंडा नहीं अम्मा जी, डंडा नहीं, स्मरण रहे आपका पुत्र हमारी शरण में है। हाँ तो पंडित रामकृष्ण, आपके भवन में आपके गुरुवर आए हैं, स्वागत नहीं करेंगे? जी गुरुवर, आपका स्वागत है। उचित है, बैठिए। पंडित रामकृष्ण, लड्डू खाने की इच्छा हो रही है, अपनी अम्मा के प्रिय लड्डू प्रस्तुत किए जाएं। लारी, ये लीजिए। धन्यवाद शारदा देवी। स्वादिष्ट, अत्यंत स्वादिष्ट। देखिए पंडित रामकृष्ण, आपने कितने परिश्रम से ये भवन, ये धन संपत्ति अर्जित की है, परंतु आपकी एक त्रुटि के कारण सब कुछ दांव पर लग गया। अब देखिए, यदि महाराज को आपके द्वारा किया गया विश्वासघात ज्ञात हो गया तो आपको तो मृत्यु दंड मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके परिवार को भी इसका दंड भुगतना पड़ेगा। महाराज, ये भवन, धन संपत्ति, शारदा अम्मा के आभूषण सब जब्त कर लेंगे। तो पंडित रामकृष्ण, हम आपसे नल दमयंती नाटक के विषय में चर्चा करने आए हैं। नाटक तो ज्ञात होगा आपको। जी, वो प्रेम रस से परिपूर्ण नाटक है। नल और दमयंती एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दमयंती के पिता उनके लिए स्वयंवर रचते हैं। जब इस बात का ज्ञात सभी देवताओं को, बस नाटक का परिपेक्ष हमें ज्ञात है। हम कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण जी, कल प्रातः आप दरबार में पर्ची निकालने का नाटक करेंगे। गुलाबी रंग की पर्ची पर दमयंती का पात्र करने वाली स्त्री का नाम होगा और गेरुआ रंग की पर्ची पर नल का पात्र करने वाले पुरुष का नाम होगा। और हम चाहते हैं कि आप महाराज श्री कृष्णदेव राय और राजकुमारी जगन मोहिनी के नाम की पर्ची ही निकालें। तो गुरुवर, पर्ची तो किसी के नाम की भी निकल सकती है ना? शरणागत पंडित रामकृष्ण,
जब सभी गुलाबी पर्चियों पर राजकुमारी का नाम होगा और सभी गेरुआ पर्चियों पर महाराज का नाम होगा, तो आप जो भी पर्ची निकालेंगे उसमें महाराज और राजकुमारी का ही नाम तो होगा। उन्हीं के नाम की पर्ची तो निकलेगी। कृपया करके एक बार आप मुझे कारण बता दीजिए कि आप मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हैं। आपको कारण बताना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज को ज्ञात हो जाएगा कि आपने ही राजकुमारी जगनमोहनी को महाराज से विवाह करने का आश्वासन दिया। आपने ही षड्यंत्र रचकर महाराज और राजकुमारी को नाटक में मुख्य भूमिका दी और इस विपदा को देखकर महाराज किसी एक की नहीं सुनेंगे और आपको मृत्युदंड अवश्य देंगे। और हम ऐसा मात्र आपके मृत्युदंड को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं और ऐसा करके साथ ही साथ आपके साथ न्याय भी कर रहे हैं और आपको बच निकलने का अवसर दे रहे हैं। पंडित रामकृष्ण, बच सकते हैं तो बच कर दिखाइए। बहुत चतुर है ना आप पंडित रामकृष्ण, प्राणों को बचाने का प्रयास कर लीजिए। फसाया अम्मा गुरुवर ने। मैं तो कहता हूँ गुरुवर के मस्तिष्क में शैतान का वास है, शैतान का। मानव नहीं है वो, लोमड़ी है, लोमड़ी, लोमड़ी कहीं के। अम्मा शारदा, तुम दोनों मेरी समस्या में कोई सहायता नहीं कर सकते ना। सत्य कहा, मैं इसमें तेरी कोई सहायता नहीं कर सकती, लेकिन हम तो आपकी सहायता कर सकते हैं ना। कैसे? पर्ची बनाकर। आप एक काम कीजिए, आप इन गुलाबी पर्चियों पे राजकुमारी जगन मोहिनी का नाम लिखिए और इस गेरुए रंग पे हम महाराज का नाम लिख देते हैं, उचित है? वाह, देखो महेश्वरी, अपनी लाडली बहू को तो देखो, मेरे मृत्यु पत्र पे इतने चाव से लिख रही है। उठा लो। ओ शारदा महोदया, पर्चियां अभी नहीं उठानी है, दरबार में उठानी है महाराज के समक्ष। हम पर्चियां उठाने की बात नहीं करें, हम कलश उठाने की बात करें। कलश उठा लो, कलश तैयार है, और जाके स्नान कर लीजिए। स्नान करने से आपका मन शांत हो जाएगा। वाह वाह, सुना? देखो देखो, बिगाड़ने में तो सबसे आगे, और जब सुधारने की बारी आई तो जाकर स्नान करने का सुझाव दे रही है ये। तो और हम कर भी क्या सकते हैं, अब आप ही बताइए। मैं भी गुरुवर के घर नहीं जा सकता ना, पकड़ा जाऊंगा। वहां तो तुझे जाना होगा कलश लेकर। अरे वो तो मैं जाऊंगा ही अम्मा, ये कह रहा हूँ कि कलश लेने से पूर्व गुरुवर महाराज और राजकुमारी जगन मोहिनी के नाम की जांच अवश्य करेंगे, किंतु नाम जांच करने के पश्चात कोई यदि इन कलश को दूसरे नाम वाले कलश से बदल दे तो मैं बच सकता हूँ। बापू, जब प्रथम बार आप राजकुमारी को प्रेम पत्र लिख रहे थे तब भी मैंने आपको रोकने का प्रयास किया था, परंतु आप चिंता ना करें, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ हाँ, परंतु ये कलश उस कलश से बदलेगा कौन? अम्मा शारदा,
अम्मा और शारदा, यही तो सोचने वाली बात है। मैं जाकर स्नान करते हुए सोचता हूँ। जीजा जी, ये लोइस की कमी थी, ये भी बोला। आप चिंता मत कीजिए, मैं गुरुवर के घर जाकर ये कलश बदल देता हूँ। मुझे क्षमा कर दे गोविंदुलू। हाँ, वो तो मैं कर दूंगा, परंतु आपका अपराध क्या है? यही कि मैं तेरा जीजा हूँ। परंतु जीजा जी, मैं तो आपकी सहायता के लिए। स्मरण कर, मैंने तुझे क्या बोला था? शाबाश। हे माँ, काश कोई होता जो मेरे स्थान पर इन कलश को दूसरे कलश से बदल सकता, किंतु कोई नहीं, कोई नहीं। अम्मा, ये हमें कुछ करने को कह रहे हैं, परंतु क्या आत्महत्या करने का संकेत? नहीं नहीं अम्मा, ये हमें कुछ और कहना चाहते हैं। आओ आओ पंडित रामकृष्ण। महाराज श्री कृष्णदेव राय। राजकुमारी जगन मोहिनी। तो इन दोनों मटकों में से एक मटके की समस्त पर्चियों पर महाराज श्री कृष्णदेव राय का नाम है और दूसरे मटके की समस्त पर्चियों पर राजकुमारी जगन मोहिनी का नाम है। पंडित रामकृष्णा, हमसे किसी प्रकार की कोई चतुराई मत करना। अब दरबार जाइए पंडित रामकृष्णा, हम आते हैं। पंडित रामकृष्णा, अब ना तो तुम उगलने योग्य रहोगे और ना ही निगलने योग्य रहोगे। क्या बात है पंडित रामकृष्णा? आपका स्वास्थ्य तो उत्तम है। जी मंत्रीवर। पंडित रामकृष्ण, जैसा हमने कहा है वैसा ही करना। जय। जी। ये लीजिए पंडित रामकृष्ण जी। जी, समझ में नहीं आ रहा है पंडित रामकृष्ण कलश को देखकर प्रसन्न क्यों हो रहे हैं? प्रसन्न तो होंगे ही, इस कलश ने पंडित रामकृष्ण को मृत्यु दंड से जो बचाया है।
महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव राय की। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी। आप पंडित रामकृष्ण को धन्यवाद क्यों कर रही हैं? निमंत्रण। कैसा निमंत्रण? राजकुमारी जगनमोहिनी पंडित रामकृष्ण को धन्यवाद देने के लिए अपने पास आने का निमंत्रण दे रही है। आइए पंडित रामकृष्ण जी, आइए। धन्यवाद पंडित रामकृष्ण जी। राजकुमारी जगन्मोहिनी, आप पंडित रामकृष्ण को किस बात के लिए धन्यवाद कह रहे हैं? उन्होंने क्या किया है? कदाचित राजकुमारी जगन्मोहिनी को पंडित रामकृष्ण की योजना ज्ञात हो गई। आप सत्य कह रहे गुरुवर। कैसी योजना? वही महारानी चिन्ना देवी जी, पंडित रामकृष्ण जी एक सुझाव लेकर आए हैं नल दमयंती नाटक पर, जो दिवाली के उपलक्ष में प्रस्तुत किया जाए। राजकुमारी जी को ही नहीं, हम सबको पंडित रामकृष्ण जी का धन्यवाद करना चाहिए। नाटक? परंतु कैसा नाटक गुरुवर? छोटी महारानी जी, प्रेम रस से परिपूर्ण नल दमयंती एक महान और रोचक नाटक है। प्रेम रस से परिपूर्ण है, हम अवश्य देखना चाहेंगे। पंडित रामकृष्ण जी। जी गुरुवर। महाराज, इस नाटक के मुख्य पात्र नल और दमयंती के निष्पक्ष चयन के लिए मैंने इस दरबार के सभी दरबारियों और उनके परिवार के साथ साथ आपका और दोनों महारानियों का नाम भी इन कलश में रखा है। इन गेरुए पर्चियों में पुरुषों के नाम और इन गुलाबी पर्चियों में स्त्रियों के नाम है। जिस भी पुरुष का नाम निकलेगा वो नल और जिस स्त्री का नाम निकलेगा वो दमयंती का पात्र निभाएंगी। पंडित रामकृष्ण। परंतु महाराज, हमें तो अभिनय करना आता ही नहीं। यदि इस पर्ची में हमारा नाम निकला तो सारे नाटक का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। आप चिंतित ना हो मंत्रीवर, मैं आपको अभिनय सिखा दूंगा। जी महामंत्री जी, और यदि पंडित रामकृष्ण ऐसा करने में असफल रहे तो हम मछलीपट्टनम से किसी को बुला लेंगे आपको अभिनय सिखाने हेतु। जी महाराज। हो पंडित रामकृष्ण, हम जांच करना चाहते हैं कि आपने कलश में सभी दरबारियों का नाम लिखा है या कहीं कुछ भूल तो नहीं गए? पंडित रामकृष्ण जी, महारानी चिन्ना देवी जी को कलश की जांच करवा दीजिए। गुरुजी, अब तो पंडित रामकृष्ण फंस जाएंगे यदि सारी पर्चियों में महाराज और जगन्मोहिनी का नाम निकला तो। देनीमनी, यदि ऐसा होता है तो जो हम चाहते हैं वो पहले ही हो जाएगा।